हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे ही सब लोगों को पता चला कि भैया एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे जो है डाउट्स चलना शुरू हो गए हैं। और आज हम उन तीन डाउट्स पर क्लियर करेंगे जो सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला डाउट है कि क्या एक साल वाली जो आईटीआई है वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, या जो लोग एक साल की आईटीआई करना चाहते हैं एएलपी के लिए, क्या उनके लिए सही है या नहीं है। दूसरा डाउट ये है कि कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तीसरा ये है कि कोविड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का ये दो साल बर्बाद हुए हैं, तो क्या उन लोगों को इसमें छूट दी जाएगी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब इन तीन सवालों को सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं सारा का सारा जो भी डेटा बताऊँगा आप लोगों को, जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सब ऑथेंटिक होंगी और 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे ज्ञान है, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या एज में छूट दी जा सकती है और एज अगर एलिजिबल है तो किस एज वाले लोग एलिजिबल हैं इसमें। तो 18 साल से लेके 28 साल तक के सारे कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल माने जाते हैं। अब तक 2018 तक ये एज क्राइटेरिया था। इसके अलावा 3 साल की छूट ओबीसी वालों को और 5 साल की छूट एससी एसटी वाले कैंडिडेट को मिलती थी। कहने का मतलब यह है कि अब तक 28 और 5 33, मतलब हाईएस्ट एज 33 साल वाला एलिजिबल रहता था। बाकी पीएचयूएच वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनका सब क्राइटेरिया अलग होता है। जो मेन कैटेगरीज हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया था। जो यूआर वाला कैंडिडेट था वो 28 साल तक भर सकता था। अब आती है बात कि क्या छूट मिल सकती है। तो 99% चांसेस हैं कि 2 साल की छूट दी ही जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई हल्ला होगा। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया थोड़ा सा लेट हो एग्ज़ाम कुछ हो, या उनके दिमाग में ना रहा हो जो ऑफिसर नोटिफिकेशंस बना रहे हैं, तब हो सकता है कि वो इसी चीज़ को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुरानी वाली चीज़ें उठाएं और एज इट इज टेप दी नोटिफिकेशन के अंदर। तो हो, वैसे रेलवे के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बाकी एग्जामों में तो होता भी है ऐसा। तो रेलवे के अंदर पूरी उम्मीद है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो आप लोग 2-3 बार अगर बात अपनी उठाओगे, मतलब अगर सही तरीके से आप लोग बात रखोगे, तो उस चीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब उस चीज़ पे आपके विचार किया जाएगा। तो इसके 99% चांसेस है कि हाँ भाई आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, और जो कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी का वो 30 तक फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईटीआई 1 साल वाली एलिजिबल है। तो इससे पहले मैं ये आंसर देना चाहूँगा कि एलिजिबल कौन कौन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा क्या गया है, फिर हम बात करेंगे कि 1 साल वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा ना सिर्फ एएलपी में बल्कि डीजल मैकेनिक के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए अलग से टेक्नीशियन की भी पोस्ट आती हैं। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या 1 साल वाले एलिजिबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑफिशियली दिखाता हूँ और उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। चलिए मैं भी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएलपी की क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला वर्ड है मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th, एसएसएलसी, इसका मतलब भी 10th होता है, 10th प्लस आईटीआई फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीबीटी या एससीबीटी। आपको पता है आईटीआई जो होती है नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट मिलता है या फिर स्टेट वाला मिलता है, स्टेट काउंसिल, ये लिखा है ना स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एससीबीटी, दोनों लोग एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब यह है कि 10th के बाद आईटीआई अपने चाहे एनसीबीटी से की हो चाहे एससीबीटी से की हो, अब किस किस ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे। तो इन द ट्रेड्स ऑफ आर्मेचर एंड कोयल बाइंडर पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, चौथी ट्रेड फिटर, पांचवी ट्रेड हीट इंजन, छठवीं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सातवीं मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल, आठवीं नवी मोटर मैकेनिक व्हीकल, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर वायरमैन। इन सारी ट्रेड वाले जिन्होंने आईटीआई की है इन ट्रेड से, वो सब के सब एलिजिबल हैं एएलपी बनने के लिए। अब बात आएगी, इसी में मैं बताऊंगा 1 साल वाला काम हो गया आप लोगों का, खुशखबरी आप लोगों के लिए कि 1 साल एलिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट चीज आप सुनिए,
थ्री ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे, आईटीआई की जगह पे ये वाली चीज़ आपकी मान ली जाएगी। इसी के साथ अगर आपने बीटेक किया है सेम ब्रांचेस से तब भी आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। अब बात आती है कि यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है थ्री ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग तो फोर ईयर की होती ही है, तो इन दोनों चीज़ों को तो छोड़ ही दो। आपके लिए जब क्वालिफिकेशन में ये वाली बात इन्होंने लिखी कि मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT एंड SCVT, अब इन्होंने डायरेक्ट ट्रेड दी। अब एक बात बताओ, जब NCVT और SCVT दोनों ही एक साल का कोर्स कराती हैं डीजल मैकेनिक का, मतलब मैंने ये अपने आप से सोचा ना, इन्होंने यहाँ पे ईयर दिया कि जैसे डिप्लोमा में तो थ्री ईयर दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब ITI में इन्होंने बोला कि भैया हाई स्कूल के बाद आपने ITI की हो इस ट्रेड में, अब वो कितने साल की होती है ये इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। भाई जब एक बात बताओ, दो ही लोग इंडिया में कराते हैं, या तो SCVT कराती है या NCVT कराती है। अब जब NCVT और SCVT दोनों ही एक साल का कोर्स कराती हैं और ये लोग उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई ITI हमारे लिए एलिजिबल है इस ट्रेड के अंदर, तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि भैया ITI आपकी एक साल वाली एलिजिबल है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे मुझ पर बाद में ब्लेम करेंगे, तो मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ, इसमें नोट में आप लोग लिख लो, मैं अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ और ना मैं किसी से कह रहा हूँ कि भैया इस चीज़ से आप कर लो, आपका ALP में हो जाएगा, कभी बाद में आप लोग मुझे बोलो। ये नोटिफिकेशन बोल रहा है और नोटिफिकेशन में ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। फिर भी आप लोग जब एडमिशन लेने जाओ या आपको सर्टिफिकेट मिले तो फॉर्म तो जरूर भरना ही भरना है, लेकिन फॉर्म किसका, ALP की बात कर रहा हूँ, ITI के लिए मैं चले जाना, ITI जिसको करनी है वो मन से अपना करो। तो ITI का जब आप फॉर्म फिल करो या कुछ करो या आपको मार्कशीट मिल रही है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से भी इस चीज़ को पूछ सकते हो, NCVT SCVT में कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पूरे पूरे चांसेस हैं 99.9% आप लोगों की ये ट्रेड एलिजिबल है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि एक साल की ट्रेड एलिजिबल नहीं होगी। कोई विदेश से थोड़ी ना करके आएगा भाई, जब ITI की है ITI कराएगा नहीं, या आप ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा अमेरिका से ITI करके आ जाएगा दो साल की, जब इंडिया में ही ITI करवाई जाती है और वो NCVT और SCVT दोनों लोग एक साल की ITI करवाते हैं इन दो ट्रेड्स में, मोटर मैकेनिक व्हीकल में शायद, और डीजल मैकेनिक में तो एक साल की ही होती है, एक बॉयलर में भी होती है, लेकिन बॉयलर वगैरह का यहाँ एलिजिबिलिटी है नहीं तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर बच्चा एलिजिबल क्यों नहीं होगा जब आप ट्रेड लिख रहे हो 10th के बाद और वो ट्रेड एक साल की इंडिया में होती है, तो मेरे हिसाब से तो 100% एलिजिबल है। बाकी आप लोग कोई भी डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ के लेना, पूछ के लेना, बस मेरे हिसाब से एलिजिबल है। मैंने तो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसके हिसाब से एलिजिबल है, मेरे हिसाब से भी, नोटिफिकेशन के हिसाब से भी। आप लोग उस लाइन को अच्छे से पढ़ लो और किसी से भी पढ़ाओगे वो यही बताएगा कि हाँ भैया एलिजिबल है। अपने टीचर्स को दिखाओ, NCVT से पूछो, SCVT से पूछो, जिससे मन करे उससे पूछो। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज़ यह है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि ALP के लिए जीरो से लेके और हीरो तक आप लोगों की सारी चीज़ें, एक एक डाउट और एक एक चीज़, चाहे वो सिलेबस हो कुछ हो, आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। मैं बहुत पहले से इस चीज़ को बताता आ रहा हूँ कि अभी ग्रुप डी पे बच्चों का फोकस है, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज़ अब एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, किस तरीके से आप लोगों का प्री क्लियर होगा, कब मेंस में कहाँ पे क्या ध्यान देना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी पढ़नी है, एक एक चीज़ के लिए आपको गाइड किया जाएगा और इस चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए फिर, कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए अच्छी रहती है, कौन सा साइको अच्छा रहेगा, कौन सी साइको की बुक अच्छी रहेगी, अगर किसी बच्चे को बेस्ट चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं तो उसकी आधी सफलता तो वैसे ही मिल जाती है, या उसको आधी सफलता तो वैसे ही मिल जाती है जब उसे कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है। इस एग्ज़ाम के प्रति मैं आप लोगों को बता दूं, ये एग्ज़ाम हम क्वालिफाइड हैं, सारी चीज़ें हैं, बच्चे बोलते ही रहते हैं कि भैया ये कब डालोगे, ये कब डालोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भाई वो घर वगैरह में तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वैसे डाल के अच्छा, वैसे तो अच्छा लगता है लेकिन डालना घर में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ड्रेस वगैरह पे जब रहते हैं तब पहन लेते हैं ड्यूटी वगैरह में, तो गाइज आप लोगों को भी ये मतलब अच्छा फील होता है जब आप डालोगे इस चीज़ को। तो मिलेंगे फिर
फिलहाल तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि भैया अभी अगर एग्ज़ाम ग्रुप डी का है तो उस चीज़ पे फोकस कर लो, क्योंकि इस एग्ज़ाम को तो बहुत अच्छे से हम हैंडल करेंगे ही और जीरो से हैंडल करेंगे, और जिस बच्चे का ग्रुप डी निकलेगा उस बच्चे को हम उस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से उसका प्री निकलेगा और मेंस भी उसका निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चलिए फिर, तो आई होप कि आप लोगों के तीनों डाउट्स क्लियर हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, वन ईयर की आईटीआई इस नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल है। मैंने बहुत लोगों से पता करने की कोशिश की लेकिन कोई भी क्लियर नहीं था, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो थी, लेकिन मैंने फिर नोटिफिकेशन को और ध्यान से पढ़ा, टीचर्स से पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबल है। चलिए फिर, और नेक्स्ट डाउट आप लोगों को, चाहे आपके पास आईटीआई है, चाहे आपके पास डिप्लोमा है, चाहे आपके पास बीटेक है, आप सब लोग एलिजिबल हो। ट्वेल्थ वाले जो बोलते हैं कि मैं पीसीएम से हूँ, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके लिए टेक्नीशियन की अलग से पोस्ट आती है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली, उसमें आप लोग एलिजिबल रहते हो ट्वेल्थ पीसीएम। बीएससी वाले नॉट एलिजिबल। बीएससी इंजीनियरिंग है तो शायद एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि वो बीटेक के इक्विवेलेंट होती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। किसी का कोई डाउट है, कुछ है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नीचे क्वेश्चन करके जाइए आप कमेंट में, उस चीज़ का मैं रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा।